What's going on guys, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बाद हो आज हम बात करने वाले हैं किंग की नई एल्बम uh, मतलब क्राउन इंट्रोडक्शन के बारे में एल्बम का नाम है न्यू लाइफ तो इंट्रोडक्शन इज बिन ड्रॉप ऑन किंग्स चैनल तो एक बार के लिए डिटेल्ड चेकअप कर लेते हैं क्या सीन होने वाला है एंड हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा एल्बम में सी so लेट्स गो एंड वॉच इट मेरा रिएक्शन अगर आप देखना चाहते हो रिएक्शन चैनल पे मैंने डाल दिया वहाँ जाके देख लो अभी फिलहाल अपन रिव्यू की बात कर रहे हैं रिव्यू के अंदर हम चलेंगे सीधा सीधा सॉन्ग नेम पे सॉन्ग नेम इज क्राउन ओके इन द एंड हमें इस क्राउन का वर्जन समझ में आता है कुछ इस प्रकार से आई थिंक ऐसे कुछ ये जो भी होता है वो कुछ कुछ होता है बट ठीक है एंड अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं आई लव द म्यूजिक इन दिस मतलब बेस पे खेला है पूरे म्यूजिक में क्राउन के अंदर पूरे म्यूजिक के अंदर वो खेला है बेस पे खेला है तो आर्टिस्ट की बात करूं किंग नटानिया ओके नटानिया कुछ अंग्रेज पकड़ के लाए हैं आई डोंट नो अबाउट दैट नटानिया लालवानी है हिंदुस्तानी दैट्स ग्रेट यार दैट्स इवन बेटर चलो आगे देखते हैं लिरिक्स आर डन बाय किंग डेविड आ, 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 ओके, यार, नाम पढ़ने मुश्किल है क्षमा चाहूंगा गलतियों के लिए मिरांडा ग्लोरी ओके चार लिर लगे गाना बनाने में भाई साहब नाइस एडिशनल गिटार डैन थॉमस वेरी नाइस वर्क सारे म्यूजिशंस ने तो फाड़ दिया भाई म्यूजिशिय ने तो फाड़ दिया मिकसन मास्टर थोड़ा बेटर हो सकता था हनीश तनेजा ने करा बट मिकसन मास्टर में मुझे लगा थोड़ा सा कसर रह गई बट अच्छा लगा ओवरऑल ओवरऑल में सारे मार्क्स पूरे हो जाते हैं रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स uh, समीर धारप गुड वर्क यार वेरी गुड वर्क आर्ट वर्क की मैं अगर बात करूं इसका आर्ट वर्क थोड़ा मतलब अच्छा है अब हम बात करें आउट ऑफ टेन तो मैं सात या आठ दे दूंगा लेकिन अगर आप बात करो आर्ट वर्क की हम किंग की वीडियो से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये टेन ऑन टेन आए मैं स्पष्ट बोलूंगा तो आर्ट वर्क में मुझे लगता है कि थोड़ा और बेटर हो सकता है क्रिएटिविटी थोड़ी और बेटर दिख सकती थी चलो अभी अपन सीधा वीडियो पे चलते हैं ऑडियो पे अपन एंड में डिस्कशन करेंगे कंसेप्ट इज बाय किंग एंड एक्स मिकी भाई एक तो यार नाम बड़े जबरदस्त होते हैं डायरेक्टर बिजॉय शेट्टी वेरी नाइस nice वर्क यार वेरी नाइस वर्क बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है मजा आया देख के एंड अगर आप बात करो फोकस पुलर अंकुश पूनिया ओके स्टडी कैम वॉज पुनीत शर्मा आ, लाइटिंग वगैरह जो देखिए रविंदर भाजी ने देखी है ओके फिलिंगमिंगो फिल्म फिल्मिंगो फिल्म मेरे को एडिटिंग देखनी है मैं एडिटिंग पे जाना चाहता हूँ सीधा सीधा यार मोटी मोटी बात करो ये अरा पोस्ट प्रोडक्शन हाउस ट्रेनेडी एंटरटेनमेंट एडिटर्स मेहरान बहुत बढ़िया काम करा है वेरी वेल डन वी एफ एक्स बहुत अच्छे करे बहुत अच्छा इसमें तो जो है दिख रहा है डिसेंट लग रहा है जो नेचुरल है नेचुरल अच्छा लग रहा है विच मीन्स इट इज़ गुड यार ब्लडी गुड है और कोरियोग्राफी भी ठीक ठीक लगी मुझे ओके ओके लगी ओवर ओवरऑल स्टार्ट अच्छा पकड़ता है मैं मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट अच्छा पकड़ता है जो स्टार्ट आता है ना मतलब गाने का जहाँ से शुरू होता है वो धीरे 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 अपना पेस पकड़ता जाता है और वो पेस चलता जा रहा है लंबे टाइम तक वो अच्छा लग रहा है वो पेस मेंटेन होता है एंड तक जैसे जैसे ट्रांजेशनज आते हैं वो भी मेंटेन होते जाते हैं सारी चीज़ें एकदम से जुड़ के बहुत बढ़िया तरीके से सामने आ रही हैं तो वो एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई आपको कैसा लगा ये मेरे को आप बताना नीचे कमेंट सेक्शन में और भाई बहुत ही ज़बरदस्त लगा ओवरऑल गाना कि इनकी स्टाइलिंग अच्छी होती है यार अनडाउटडली बहुत अच्छी होती है तो गाइज़ आपको जो आपका मन करे लिखने का नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मुझे ये गाना आउट ऑफ फाइव अगर मैं रेट करूं तो कहीं ना कहीं किंग के कैलिबर को और आर्ट वर्क को थोड़ा सा देखते हुए आई विल गो फॉर थ्री एंड हाफ स्टार्स मेरे को थ्री एंड हाफ लगा बाकी हाँ ये है कि रिपीटेटिवली सुन सकते हो आप इस गाने को म्यूजिक के तौर पर आप लगातार सुनते रहोगे क्या कोई ट्रांस चल रहा है कुछ मन में आपका चल रहा है ना कि अकेले बैठ के सुनने परफेक्ट है मज़ा आएगा अकेले बैठने का मतलब समझ गया ना तुम सलमान खान बन जाओ थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे सलमान खान ऐसे ऐसे जिसने बिग बॉस देखा उसे पता है चेक करके देखो तुम पता चलेगा सलमान खान का ऐसे ऐसे क्या है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बाद है ना बिल सी इन जय हिंद मिलता हूँ बहुत जल्दी अच्छा लगा मुझे ओवरऑल स्ट्रक्चर म्यूजिक की भी बात कर रहा हूँ सच में म्यूजिक रह गया था यार म्यूज़िक के अंदर मुझे बेस पे खेला हुआ ज़्यादा लगा इन्होंने बेस आ, को बहुत तोज्जो दिया इसके अंदर एंड अच्छा भी लग रहा है जिस वजह से ना आप एक जोन क्रिएट कर रहे हो बेसिकली जो आप जोन क्रिएट करना चाह रहे हो वो हो रहा है अच्छे म्यूजिक हेडपीस लगाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मजा आएगा सुनने में कि ये क्या वाइब है एक दो बार लगेगी लगातार चलेगा कुछ ना गाने होते हैं जो धीरे धीरे करके ना दिमाग पे चढ़ते हैं ये उनमें से एक होने वाला है तो मेरे को अच्छा लगा ये गाना देख ओवरऑल थ्री एंड हाफ इज अ गुड वन फॉर दिस बट वी एक्सपेक्ट अलॉट फो मोर फ्रॉम किंग बाकी अभी पूरी एल्बम पड़ी है तो देखते हैं क्या आएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब उसकी वीडियो का इस जय हिंद मिलता हूँ बहुत जल्दी